हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग फ्रॉम कोची केरला। आज मैं इस वीडियो में मेरे बारे में बताना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे कैसे आया, कितने दिन के बाद आया, मतलब जो भी हुआ और आज क्या हुआ मेरे साथ वो भी मैं बताना चाहूँगा। तो मैं आज का दिन से शुरुआत करता हूँ। मैं आज सुबह उठा और पता चला कि मैं मुन्नार में जाने का टिकट बुक किया था, जो सही टाइम पे मैं नींद से नहीं उठा। अलार्म लगाया भी था लेकिन समझ में नहीं आया कि ये अलार्म किसका था, और मैं बहुत गहरी नींद में था और मैं जा नहीं पाया। ट्रिप हो गया कैंसिल। तो मैं अकेले ही जाने वाला था मुन्नार, कोची से मुन्नार 3 घंटे की ज़्यादा ही टाइम का ट्रैवल है बस। KSRTC केरला के लोकल बस होता है उससे जाने वाला था। तो 208 रुपये का टिकट हो रहा था। मैं रात को सोने से पहले टिकट बुकिंग करके रखा था लेकिन इतना नींद आया कि सुबह को मैं उठ नहीं पाया। और मेरे दोस्त को भी बोल के रखा, जो रूममेट है, उसने 5 बजे उठा और मुझे बुलाया। उसको लगा कि मैं बहुत गहरी नींद में हूँ, उसने ज़्यादा ट्राई नहीं किया और मैं सोता गया और अभी उठा तो अफसोस हो रहा है कि मैं जा नहीं पाया। तो उम्मीद करता हूँ ये जो भी हो रहा है मेरे साथ कुछ अच्छे के लिए हो रहा है, मैं कुछ अच्छा आज करूँगा मुन्नार जाने से, तो कुछ और अच्छा ही करूँगा शायद। अभी मैं हूँ केरला कोची में और मैं एक आजकल क्या कर रहा हूँ, मैं कोची में एज ए होटेलियर काम कर रहा हूँ। 5-स्टार होटल, जिस होटल का नाम है क्राउन प्लाजा कोची, और यहाँ पे होते हुए मेरे 5 महीने 20-25 दिन हो गया है। 5 महीने 25 दिन हो गया है और मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ बहुत अच्छे तरीके से होटल में एज ए गेस्ट सर्विस एसोसिएट। तो मैं गुवाहाटी में आया अगस्त का 10 तारीख को, और प्रगति एडुटेक नाम का एक इंस्टीट्यूट है जो जॉब प्रोवाइड करता है कुछ महीने का पढ़ाई करने के बाद। तो मैं वहाँ ज्वाइन करके 3 महीने का पढ़ाई किया, होटल मैनेजमेंट के बारे में ABCD जो भी सीखना पड़ता है वो सीखा और फिर इंटरव्यू दिया। पहले मैं लेमन ट्री प्रीमियर मुंबई में इंटरव्यू दिया था, वहाँ मैं सिलेक्शन नहीं हो पाया, कुछ टेक्निकल इशू था, मतलब कि पहला इंटरव्यू था और सेटअप कुछ भी नहीं था, डायरेक्टली अचानक कॉल आ गया और मैं बात करने लगा तो सही तरीके से वो बात बना नहीं। और नेक्स्ट इंटरव्यू यहाँ हुआ क्राउन प्लाजा में, तो मैं सेलेक्ट हो गया और फिलहाल यहाँ पे लाइफ कट रही है। और नेक्स्ट गुवाहाटी में आके पढ़ाई करके सारे और सब कुछ घूमा, मज़े में सब जिंदगी चल रहा था, और फिर फ्लाइट पकड़ा कितने 29 नवंबर, और दिसंबर का 1 तारीख से मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, और फिलहाल इतने दिन से काम कर रहा हुआ और इतना बिजी, माँ कसम होटल में कैसे काम होता है। मैं जो जिस बंदे को होटल 5-स्टार कभी नज़र नहीं आया था वो बेचारा आज हर दिन सुबह शाम वहाँ में काम करता रहता है। तो यह है कहानी मेरा, और मैं देखो सुबह सुबह नींद में उठाओ आँख फुला हुआ है। तो आज बहुत दिन बाद मेरे को काम करते करते, इस महीने में बहुत काम किया, कोई ऑफ नहीं लिया, और अभी लास्ट इस महीने का एंड में मैं ऑफ लिया तो एक साथ 4 ऑफ मिला है। तो मैं सोचा मुन्नार जाके आऊँगा लेकिन देखो मैं इतना नींद में चला गया कि मैं उठ ही नहीं पाया टाइम पे, तो बस चला गया। कोई बात नहीं, फिर को भी कोशिश करूँगा, और अकेला हूँ ना इसीलिए ज़्यादा मैं भी कोशिश नहीं किया कि मुझे जाना ही है, मैं बस टिकट बुक किया जा सकूँ तो अच्छा है ऐसे सोच के। इतना भी ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं था क्योंकि मैं अकेला हूँ यहाँ पे, और भी एक है लड़का दिल्ली से जिसका नाम अमित है, तो वो मेरे साथ काफ़ी दूर तक सफ़र किया है। हम दोनों एक बार आदियोगी गया था और एक बार जटायु पड़ा जो केरला में बसा हुआ है, वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट बर्ड स्कल्पचर है जो बहुत ही अमेजिंग है। तो आप जब भी केरला में आएंगे तो ये सब जगह घूम सकते हैं।
मैं केरला कोची में आने के बाद मैं एक साइकिल ख़रीदा और पहला सैलरी के सैलरी से ही मैं साइकिल ख़रीद लिया। तो वहाँ में टिप्स मिलता है काम करने के बाद, हर एक महीने में, महीने के एंड में टिप्स डिवाइड होता है। तो मेरे को अच्छा खासा टिप्स मिला था, उसी से मैं एक साइकिल ख़रीद लिया, वो भी सेकेंड हैंड। तो इसी से मैं सारे कोची के आसपास के पॉपुलर जगह सब मैं देख लिया। तो अभी फ़िलहाल क्या हुआ है कि मैं सामने के साइकिल से जितना दूर देख सकता हूँ मैं देख लिया। अभी दूर का चीज़ें देखने के लिए मुझे कुछ, साइकिल से जाऊँगा तो बहुत मेहनत होगा, तो इसीलिए मैं बस से जाने की कोशिश कर रहा हूँ। और उसके लिए एक पैसा ज़्यादा लगता है और अकेले जाने में इतना दूर मन नहीं करता है। तो फ़िलहाल मैं ज़्यादा दूर नहीं जा रहा हूँ और रूम में ही बैठा हूँ, कुछ काम अपना कर रहा हूँ, नेक्स्ट प्लान की तैयारी। कि कोची आया तो हर ज़िंदगी कच्ची में तो नहीं रह सकते, बाहर कहीं और भी तो जाना है, क्योंकि मुझे ट्रैवलिंग में बहुत इंटरेस्टेड है। शायद मैं नेक्स्ट ईयर कहीं और जाऊँगा, क्योंकि इस होटल इंडस्ट्री में जॉब करने का फ़ायदा ये है कि तुम घूम सकते हो, तो नए नए शहरों में जाके काम मिलेगा और उस काम करते करते हुए तुम कहीं और साथ में घूम सकते हो। तो इसी में क्या होता है, पैसे थोड़ा खर्च होगा लेकिन काम के साथ घूमना भी हो जाएगा। जैसे कि मैं अभी फ़िलहाल घूम रहा हूँ, कहाँ आदि योगी तमिलनाडु कोयम्बतूर डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ में गया, और यहाँ कल्लम में जटायुपारा है जो वहाँ पे भी गया। तो बहुत अच्छा सफ़र था, जर्नी था, मज़ा आया। बाकी सब मैं उम्मीद करता हूँ सब ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। मैं आसपास मेरा दिखा देता हूँ कि मैं यहाँ पे कहाँ हूँ। तो मैं मारादू, क्या बोलते हैं इसका, विजयनगर, जिस जहाँ मैं हूँ, मैं इस जगह का नाम है। और मैं टॉप फ्लोर का एक बिल्डिंग में, होटल की तरफ से दिया हुआ एक एकोमोडेशन है जहाँ पे मैं रहता हूँ। मैं आसपास में ये सब के सब रूम है, दोस्तों का कपड़ा है और मैं हूँ। तो यहाँ पे एक टीवी भी है, दिस इज़ अ टीवी, और साइड में पुराना वाला टीवी था वो अपडेट हो गया, इधर में दूसरा नया टीवी आया है। कि यहाँ पे एक फिल्टर लगा हुआ है, इलेक्ट्रिक फिल्टर। यहाँ फ्रिज है जो काम नहीं करता है, बाकी सब बढ़िया है। गर्मी थोड़ा ज़्यादा है, खाना पीना कभी कभी अच्छा नहीं लगता है, बाकी सब बढ़िया है। चिकन बिरयानी होटल में जाओ तो मिल जाता है, 150 रुपये में, छोटा वाला रेस्टोरेंट में मिलता है, तो कॉस्टली तो है। यहाँ पे चलना फिरना ट्रैवलिंग में KSRTC बस, जो सरकारी बस होते हैं ना, वो बहुत सस्ते हैं। बाकी उबेर लो तो उसमें थोड़ा ज़्यादा पैसा लगता है। और बाकी यहाँ पे काम बहुत अच्छे हैं, लोग अच्छे हैं। अगर आप में से कोई आना चाहते हैं तो आ सकते हो। यहाँ पे ट्रैफिक वगैरह इतना ज़्यादा नहीं होता है, नीट एंड क्लीन है शहर, पूरा ज़बरदस्त क्लीन है। मैं जब पहले बार यहाँ आया था तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। अभी मैं यहाँ में आके मिल गया हूँ इस मिट्टी से, मतलब, तो मुझे अभी कुछ फील नहीं होता है, अपना ही ऐसे लगता है। तो बाकी जब आप पहली बार आओगे तो आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि यहाँ पे इतना गंदगी नहीं है, रोड सब क्लीन है और वेल मेंटेन है, जिससे मुझे बहुत पसंद आया। बाकी नेक्स्ट कहाँ जाऊँगा वो मैं बता नहीं सकता। तो उम्मीद करते हैं मेरे ये छोटा सा अपडेट मेरे तरफ से था, आपको अच्छा लगा होगा जान के। मिलते हैं कभी किसी और वीडियो में किसी और दिन। बाय बाय, गुड नाइट।